गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विशेष स्वयं की समझ में जाएंगे जो अपने आत्मसम्मान है उसकी विशेषताओं के बारे में। आत्मसम्मान क्या होता है इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना, आत्मसम्मान की अवधारणा और इसकी अर्थ परिभाषा के बारे में, ठीक है, कि हम हमारे द्वारा जो किए गए वो कार्य जिससे हम हमारी एक अच्छी पहचान बनाकर खुद को सम्मानित करते, यानी कि हमारा कार्य सकारात्मक होता है और दूसरों की दृष्टि में वह कार्य आदर्श कहलाता है। तो उसी को कन्वीन करते हुए इसकी विशेषताओं को समझते हैं कि आत्मसम्मान की विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले विशेषता आ जाता है आत्मविश्वास का अनुभव। आत्मसम्मान के फलस्वरूप आत्मविश्वास का अनुभव हो जाता है, व्यक्ति के अंदर ये आत्मविश्वास हो जाता है कि वह किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक कर सकता है, उसको करने में उसको कठिनाई का सामना नहीं होना। जैसे मान लीजिए विद्यालय के अंतर्गत कोई कंपटीशन का आयोजन किया गया है, ठीक है, उस कंपटीशन के दौरान मान लो किसी बच्चे के सामने यह है कि उसको ये करना है, ऐसे खेलना है, ये ऐसे डांस करना है, ये गाना गाना है वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें उसको सफलता हासिल करनी है। तो उसी आत्मसम्मान के फलस्वरूप जब वो खुद को पाएगा कि उस पर विश्वास रखकर उसको ये मतलब वो विश्वास है वो कार्य कर सकता है, उसको खुद को पता है कि मैं जो कार्य करूंगा उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और इसी पॉजिटिवनेस इसी सकारात्मक सोच के साथ वो खुद को सम्मानित करते हुए वो क्या करेगा, उस आत्मविश्वास के अनुभव के द्वारा उस कार्य को सही से करेगा और सफलतम रूप से करेगा, यानी कि वो अपने आत्मसम्मान से उस आत्मविश्वास के साथ उस कार्य को अच्छे से कर सकता है। सेकेंड, सकारात्मक सम्मान। सकारात्मक सम्मान, आत्मसम्मान के फलस्वरूप सकारात्मक सम्मान पॉजिटिव लेकिन जो अंदर हमको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए इसके लिए हम तैयार रहते हैं। जैसे कि मान लो कि सकारात्मक सम्मान के स्वरूप के जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि जो सामने जो उसके विरोधी है वो अनैतिक है और एक तरह से जो कर रहे वो गलत कर रहे, इसी सोच के साथ उसने उनके साथ युद्ध किया था। तो इस सोच के साथ हमेशा सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक सम्मान पाते हुए हम कोई भी कार्य कर सकते हैं कि हाँ हम जो कार्य कर रहे हैं वो अनैतिक नहीं अनुचित नहीं है, हम उस गलत के खिलाफ ही अपना काम कर रहे हैं, यानी कि हमेशा जीवन में जो कार्य करने के जा रहे हैं ये सोच के करेंगे कि हमारे द्वारा किया गया कार्य दूसरों की दृष्टि में अच्छा है, उससे गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसी सकारात्मक सम्मान के साथ उस कार्य को करने के लिए हम हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। तीसरा है सुरक्षा का अनुभव। सुरक्षा का अनुभव, सुरक्षा जैसे मान लीजिए एक बालक जब विद्यालय से घर जाता है तो उस घर जाने के दौरान उसके माता पिता उसको ये सिखाते कि जब वह घर से निकलता है या विद्यालय से घर को आता है तो उस दौरान उसको करना क्या होगा, बिना किसी यहाँ वहां ध्यान दिए हुए है अपनी सावधानी के साथ उसको घर आना है या घर से विद्यालय जाना है, दोनों सिचुएशन करना है। तो इस आत्मसम्मान की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति हमेशा सुरक्षा का अनुभव करते हुए ही कोई भी कार्य करता है, यानी कि उस दौरान उसको किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, बीच में कोई कठिनाई आना है इस बात का अनुभव करते हुए ही हमेशा कार्य करता है। फोर्थ है सामाजिक समर्थन की इच्छा। आत्मसम्मान की प्रक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति ये हमेशा चाहता है कि उसको क्या मिले, आत्मसमर्थन की इच्छा रहे उसको, यानी कि सामाजिक समर्थन मिले, आत्मसमर्थन के साथ सामाजिक समर्थन, यानी कि समाज के प्रति उसके द्वारा किया गया कार्य उसको सही माना जाए और उसको हमेशा समर्थन किया जाए। जैसे मान लो एक बालक अच्छा अंक ला लेता है या कुछ अच्छा सक्सेस हासिल कर लेता है तो हमेशा ये चाहेगा कि दूसरे लोग उसका समर्थन करें, उसकी प्रशंसा करें। अगला नेक्स्ट, सामाजिक
चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा। आत्मसम्मान प्राप्त व्यक्ति हमेशा जब भी किसी कार्य करता है तो कार्य के बीच में आने वाली जो बाधाएं होती है, चुनौतियां होती है, उस चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता, तैयार रहेगा, क्योंकि हम कभी कार्य करते उसमें चुनौतियां आना स्वाभाविक रहता है। तो इस तरह से नेक्स्ट है, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, लक्ष्य आत्मसम्मान के फलस्वरूप हम जैसे मान लो जो कार्य करते उस कार्य के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की भी इच्छा रहती है। जैसे कि मान लो प्रारंभ तौर पर हम कक्षा में, जैसे मान लो कोई बालक बहुत ही अच्छे अंक लाता है और हमेशा सर्वोच्च अंक के लाके बाद हमेशा अपने आप को कक्षा में प्रथम स्थान पर पाता है, इसी आत्मसम्मान के फलस्वरूप जब वो देखता है कि मैं जब अब अच्छा कर रहा हूं तो फ्यूचर में भी जब वो बड़ा होता है तो बड़े आधिकारिक पोस्ट पर, आईएएस सिविल परीक्षा जैसे पोस्टों पर जाने की हमेशा तैयार रहता है, यानी कि लक्ष्य के प्रति हमेशा क्या रखता है, अपनी इच्छाओं को रखता है। तो आत्मसम्मान के फलस्वरूप लक्ष्य की इच्छा भी रहती है। अगला है कार्य एवं व्यवहार में प्रबंधन, कार्य एवं व्यवहार में प्रबंधन। कई बार देखा जाता है इंसान के कार्य और व्यवहार के फलस्वरूप उसकी अपनी पहचान बनती है। क्लासरूम में जैसे मान लो क्लास पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स आते हैं, लेकिन किसी टीचर का कार्य और व्यवहार इतना सकारात्मक और इतना सही होता है कि बच्चे उसके कार्य और व्यवहार से हमेशा प्रभावित रहते हैं और उसकी कक्षा में आने से हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। और कोई अध्यापकों को कार्य व्यवहार से मान लो बच्चों को दिक्कत आती है उसकी कक्षा में आने से वो थोड़ा झिझकते हैं। तो इस तरीके से कार्य और व्यवहार का प्रबंधन भी आत्मसम्मान की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसके लिए विशेषताओं में आता है। के बाद नेक्स्ट आ जाएगा नकारात्मक सोच का अभाव, नकारात्मक सोच का अभाव। ठीक है, नकारात्मक सोच का अभाव, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। नकारात्मक जो सोच होती है, ठीक है, नेगेटिव थिंक, उसका हमेशा क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, उसकी कमियां पाई जाती है। आत्मसम्मान के फलस्वरूप व्यक्ति हमेशा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि वो गलत हो और अनुचित तौर पर माना जाए। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो ये होता है नकारात्मक सोच का, इसमें अभाव पाया जाता है। ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बच्चा कुछ करना चाहते हो कर नहीं पाता, इस सिचुएशन में कोई बात नहीं करा हम आगे कर लेंगे, यानी कि बच्चा क्लास में फेल हो जाता है, कम मार्क्स आ जाता है वगैरह इस सिचुएशन में, तो इस तरह से कुछ गलत ना करके नकारात्मक सोच को समाप्त करके हमेशा सकारात्मक सोचने का कि अभी नहीं तो हम आगे कुछ अच्छा कर देंगे। नेक्स्ट उत्साह की स्थिति, उत्साह की स्थिति। आत्मसम्मान के फलस्वरूप उत्साह की स्थिति आ जाता है, उत्साह और उमंग से फिर उस कार्य को और बेहतर से करने के लिए हमेशा इंसान तैयार रहता है, तत्पर रहता है, और यही उत्साह स्थिति हमेशा उसकी पहचान और अच्छा बनाने का कार्य करता है, क्योंकि उत्साह के फलस्वरूप हम कई बार जो जैसा जो कर रहे हैं उससे और अच्छी बेहतर कार्य को करेंगे। अगला मानसिक स्थिति,
मानसिक स्थिति, इसके फलस्वरूप मानसिक स्थिति भी देखने को मिलती है कि मान लो कि विद्यालय के अंतर्गत एक बच्चा कार से आ रहा है या बाइक से आ रहा है, एक साइकिल से आ रहा है, तो साइकिल से आने वाला बच्चा हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करते हुए ये सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं सिचुएशन सही, लेकिन मैं इससे अच्छा हूँ, मैं क्लास में अच्छे नंबर आते हो, पढ़ने में इससे होशियार हूँ। इस तरह से आत्मसम्मान से मानसिक स्थिति भी सही बनी हुई रहती है। और अंत में श्रेष्ठता का अनुभव, आत्मसम्मान व्यक्ति हमेशा अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ कर सोचने का प्रयास करता है और श्रेष्ठता के अनुभव के परिणाम स्वरूप ही वो जो कार्य है कैसा करेगा, आदर्श कार्य करेगा। तो इस तरीके से हमने आज आत्मसम्मान की प्रक्रिया में इसकी जो विशेषताओं है उन विशेषताओं को जाना और समझा। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, आत्म सम्मान प्रक्रिया की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आत्मसम्मान प्रक्रिया की क्या क्या विशेषता है जो आज हमने क्लास में जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स स्कूल सेल में वो घर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने आप को स्वस्थ और परिवार को स्वस्थ रखना है। थैंक यू।